हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना किचन ब्लॉग्स। मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेकर, लोटे स्पाइसी फिश। ये लोटे फिश है, ये बेसन है। एक पीस टमाटर मैं स्लाइस करके काट ली हूँ, और हाफ नींबू और दो ऑनियन पेस्ट करके ली हूँ, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हरी मिर्ची है, नमक है, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। मैं पहले इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। पहले लोटे में डाल के मिक्स कर लूँगी मसाला देकर। मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। पहले मैं नमक ले लेती हूँ परिमाण जैसा। उसी के बाद नींबू निचोड़ उसी के बाद थोड़ा हल्दी पाउडर ले लेती हूँ परिमाण जैसा। उसी के बाद चिली पाउडर ले लेती हूँ परिमाण जैसा। उसके बाद मैं बेसन ले लेती हूँ परिमाण जैसा। उसी के बाद जीरा पाउडर ले लेती हूँ परिमाण जैसा। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। बेसन दे रही हूँ क्योंकि अच्छे से फ्राई भी हो पाएगा, वरना ऐसे ही मैं करके करूंगी तो टूट जाएगा, इसी वजह से मैं बेसन डाल रही हूँ। और थोड़ा ले लूंगी। नींबू देने का कारण है ताकि जो मछली का स्मेल रहता है वो ना रहे। अभी मैं थोड़ा पानी दे दूंगी। मैं इसको फ्राई कर लूंगी, एक एक करके डालूंगी। मेरी मछली फ्राई हो गई है। अब मैं इसको मसाला को रेडी करूंगी। तो कढ़ाई में थोड़ा और तेल ऐड करेंगी क्योंकि जो तेल से मैं फ्राई कर रही थी उसी तेल है, लेकिन थोड़ा तेल में और ऐड करूंगी। पहले मैं
पहले मैं जो स्लाइस करके काटी थी टमाटर उसी को दे दूँगी। अभी मैं इसमें ओनियन पेस्ट डाल दी। अभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दी और जो हरी मिर्च थी वो भी डाल दी।
मिनट में लो फ्लेम में बना ली हूँ तो अभी, और 2 मिनट में हाई फ्लेम में बना ली। मेरी रेसिपी अभी रेडी हो गई है तो मैं बर्तन में खाली कर रही हूँ। तो अभी मैं टेस्ट करके देखूंगी रेसिपी कैसा बना। बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी या कुछ गलती रहे तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं उसको अच्छे से बना सकूं। अगर कुछ गलती हो प्लीज बताएं मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।